अच्छा PSL देखते हैं आप जी? PSL देखते हैं। कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? फेवरेट टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, पिछले दिनों में जो केस हुआ है शाहिन शाह अफरीदी ने सरफराज के साथ जो किया है कारनामा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो हर बॉलर की अपनी एग्रेसिव होती है, जो उसने एग्रेसिव निकाली उसको चौका लगा, उसने आगे से गुस्सा कर दिया, बात खत्म। नहीं, एक सीनियर प्लेयर भी तो कुछ चीज़ होती है ना, सीनियरिटी भी कुछ चीज़ होती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सीनियर प्लेयर भी तो ऐसे ही करता है ना, उसने कौन सा किसी से प्यार से बात की है कभी? आप ये बताएं, PSL देखते हैं? PSL में नहीं देखता। क्या शौक क्या है आपके? PSL देखते हैं जी? देखते हैं। PSL में फेवरेट टीम कौन सी आपकी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, सारे इस्लामाबाद के दीवाने हुए हैं इसलिए कि पहले नंबर पे आ रही है, बाकी जो बाहर हो गए हैं उसका कोई दीवाना नहीं है, क्या वजह है? नहीं, कुछ प्लेयर्स होते हैं ना उस वजह से जो है ना। कौन सा प्लेयर फेवरेट है आपका? ख्वाजा। ख्वाजा, ख्वाजा सरा? नहीं नहीं, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं नहीं, उस्मान ख्वाजा। अच्छा, उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है जी, पिछली सेंचुरी मारी है उसने और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। शादाब खान के आउट होने की वजह से टीम से शायद इसलिए वो अच्छा खेल गए? नहीं, इस वजह से नहीं है, असली बात है ख्वाजा ने इसलिए इनिंग खेली है क्योंकि इस्लामाबाद की टीम में अकेला बंदा इस्लामाबाद वाला वो उस्मान ख्वाजा ही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगली जो मैच रहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनमें अगर उस्मान ख्वाजा नहीं चल पाता तो क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड आ जाएगी मैच? नहीं। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ वहीं खेलने वाला बंदा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं ख्वाजा को सपोर्ट कर रहा हूँ, फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, फेवरेट प्लेयर है। चलें जी, तो आप ये बताएं कि PSL के सारे मैच देखे हैं आपने? ऑलमोस्ट सारे देखे। सरफराज के साथ जो शाहिन शाह अफरीदी की जो बातचीत हुई थी, शाहिन अफरीदी ने बड़ी बदतमीज़ी के साथ, बड़ा बदतमीज़ी वाला रवैया रखा है उसके साथ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो क्या वो सही किया उसने या गलत किया है? क्रिकेट में तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, वैसे तो वो ग्राउंड में जो था तो वो हीट ऑफ मोमेंट था, तो इसमें तो बाद में वो शाहिन अफरीदी ने भी जो एक्सक्यूज़ कर लिया है, सरफराज ने भी एक्सक्यूज़ कर लिया है। जी जी, तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ये तो मीडिया ने इतना इशू बना लिया, वैसे इतना बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि कल के मैच में भी ऑलमोस्ट जो है ना शाहिन अफरीदी ने जो बाउंस कराया था रिजवान को, तो उससे भी उस वक्त हीट ऑफ मोमेंट बना था, लेकिन वो दोनों ने उसी वक्त जो है ना सॉल्व आउट हो गया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।